नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लेविटेक में और मैं हूं ब्रजन। दोस्तों, एलटी गेट रिजल्ट को लेकर के आज लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन था। दौड़ते हुए भागने लगते हैं, अम्मा यार नौकरी 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 दौड़ते हैं। नमस्कार, हमारा सपना उसको हम हकीकत बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का धरना प्रदर्शन सफल होते हुए दिख रहा है और अभ्यर्थियों की काफ़ी संख्या को देखते हुए आयोग ने आज फिर एक आश्वासन दिया था। पिछले कुछ दिन पहले, अभी एक हफ्ते पहले यहाँ पर आयोग ने आश्वासन दिया था, तो दो वादे तो आयोग ने अपने पूरे कर दिए थे। अब आज जो वादा किया है वो देखते हैं पूरा हो पाता है या नहीं पूरा हो पाता है। तो आज अभ्यर्थियों के दबाव को देखते हुए आयोग ने आश्वासन दिया है कि कल यानी शुक्रवार 5 अप्रैल को दो विषयों के रिजल्ट जारी किए जाएंगे एलटी ग्रेड के, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर आश्वासन भी दिया है कि सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट इस दिन तक, इस तारीख तक आएगा। तो दोस्तों, पूरी न्यूज़ क्या है जान लेते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेस विज्ञप्ति आप देख सकते हैं, आज सुबह 11 बजे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा के नेतृत्व में एलटी ग्रेड भर्ती 2018 का परिणाम निकलवाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 10वीं बार घेराव किया गया। गत माह घेराव के बाद एलटी ग्रेड के दो विषय के परिणाम कृषि और संगीत का घोषित किया गया था। तब से आयोग एलटी ग्रेड का कोई परिणाम घोषित नहीं किया। प्रतियोगी छात्रों की भारी संख्या देखकर आयोग ने एक प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए बुलाया, जिसमें मोर्चा संयोजक विक्की खान, मोर्चा कोर कमेटी अध्यक्ष अनिल कुमार पाल, पंकज अमितेश यादव, दुर्गेंद्र सिंह ने आयोग के अनुसचिव एवं मीडिया प्रभारी सुरेंद्र उपाध्याय से वार्ता कर एलटी ग्रेड परिणाम की मांग की। सुरेंद्र उपाध्याय जी ने शुक्रवार को दो विषयों जिसमें संगीत बालिका वर्ग और गृह विज्ञान बालक वर्ग का परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया। तो दोस्तों, कल शुक्रवार को ये दो विषयों के रिजल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, संगीत बालिका वर्ग का और गृह विज्ञान बालक वर्ग का, ठीक है। और साथ ही हर हफ्ते में एक या दो छोटे विषयों का परिणाम देने के लिए सहमत हुए और बड़े विषय जैसे सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट अप्रैल अंतिम सप्ताह या मई प्रथम सप्ताह में देने का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी लोग सामाजिक विज्ञान के लिए आस लगाए बैठे हैं, उन लोगों की आस यहाँ पर अप्रैल के लास्ट वीक या मई के प्रथम सप्ताह तक पूरी होने वाली है, ठीक है। और मोर्चा संयोजक विक्की खान ने कहा कि धीरे धीरे ही सही एलटी का परिणाम आता रहना चाहिए, इससे भर्ती प्रक्रिया गतिमान रहेगी और प्रतियोगी छात्रों की बेरोजगारी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हालात ये हैं कि जब प्रतियोगी छात्र यहाँ पे आंदोलन करते हैं तब आयोग को सुध आती है और तब यहाँ पर वो रिजल्ट जारी करने का आश्वासन देता है। अपने मन से यहाँ पर कुछ भी आयोग नहीं करता है, जब तक दबाव ना हो तब तक यहाँ पे कुछ भी आयोग नहीं करता है। तो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी इन्फो मिली हो, कोई भी हेल्प मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।